इन साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 12 को। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त हमारी एक फुल प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी चल रही है यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे, कोटली बेल, विष्णु प्रयाग, टिहरी या मनेरी बाली परियोजना। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके रिवीजन के तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहां शुरू किया गया था? सहस्त्रधारा में, ऋषिकेश में, केदारनाथ में या नैनीसैनी में? तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहस्त्रधारा में जो है देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल से आश्रय लिया वो कौन था? ऑप्शन ए, मुराद, औरंगजेब, लक्ष्मी या सुलेमान सिको। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलेमान सिको। अगला प्रश्न देखिएगा, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम था? लीलावती, सुमित्रा, लक्ष्मी या गौरा? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौरा। ठीक है, याद रखिएगा, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? गौरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऐपण, रंगोली, थापा या ज्योति। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐपण। क्वेश्चन नंबर 6, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कत्तियों के द्वारा, चंदों के द्वारा, गोरखाओं के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदों के द्वारा अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चमोली जिला का रैणी गांव किस वन आंदोलन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है, रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, डूंगी पैंतोली आंदोलन या मैती आंदोलन? तो दोस्तों, प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली जिला का जो रैणी गांव है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है, 1865, 1868, 1869 या 1870? तो दोस्तों, डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना है अल्मोड़ा में हुई थी, और ये हुई थी 1870 में। क्वेश्चन नंबर 9, तिलू रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था? रामू रजवार, चांदू रजवार, राम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामू रजवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर मेला किस जनपद में लगता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है, चंपावत, उत्तरकाशी, नैनीताल या अल्मोड़ा? तो दोस्तों, लोसर मेले का जो आयोजन है उत्तरकाशी जनपद में होता है, तो ऑप्शन बी जो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला कौन थे? स्वामी राम, बाबा रामदेव, बद्रीदत्त पांडे या हरिकृष्ण रतुड़ी? तो दोस्तों, क्वेश्चन 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी राम। अगला प्रश्न है, चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? सिरती, स्वामी, ठेकेदार या थातवान? तो दोस्तों, चंद वंश में जो है जमीन का जो मालिक होता था उसे थातवान के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है, ये आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है कोटद्वार, हल्द्वानी, कौसानी या देहरादून में? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्द्वानी में हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? दोस्तों, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1921। याद रखेंगे,
13 अप्रैल 1921 को उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1937, 23 जनवरी 1939, 22 जनवरी 1939 या 25 जनवरी 1940। तो दोस्तों प्रजामंडल की जो स्थापना है ये हुई थी 23 जनवरी 1939 में। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1916, 1917, 1918 या 1919। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है ये हुआ था 1917 में, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतुड़ी, महात्मा गांधी या देवकी नंदन पांडे? तो दोस्तों उत्तर होगा बद्रीदत्त पांडे, यानी कि देशभक्त प्रेस की जो स्थापना है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 18 की ओर, अंगाली मठ कहां स्थित है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या चमोली? तो दोस्तों अंगाली मठ जो है ये टिहरी जनपद में स्थित है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत, बद्रीदत्त पांडे, दिवाकर भट्ट या मथुरा प्रसाद बमराड़ा? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डीडी पंत, यानी ऑप्शन ए जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, महासू त्योहार डैश डैश संबंधित है लखियाभूत, शिव, गौरा या रणभूत? तो दोस्तों महासू त्योहार का जो संबंध है ये शिव से है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 21 की ओर, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? देहरादून, गोपेश्वर, उत्तराखंड या चंपावत? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून जनपद में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन 22 की ओर, निम्न में कौन सा मेला पशु मेला है? गौचर मेला, जौलजीवी मेला, सोमनाथ मेला या श्रावणी मेला? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु से संबंधित जो मेला है यह है सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री? तो दोस्तों क्वेश्चन 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है माननीय राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, शौर्य चक्र या सेना मेडल? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में रमताऊ तथा सोलानी नदियां किस स्थान पर मिलती है? हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार में। याद रखेंगे गंगा में रमताऊ तथा सोलानी जो नदियां हैं ये हरिद्वार में मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रबदनी मेला किस जनपद में लगता है? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी जनपद में चंद्रबदनी मेला लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सगुन को छूलो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है, ऑप्शन है थारू, जौनसारी, भोटिया या राजी? तो दोस्तों सगुन को छूलो रस्म जो है ये थारू जनजाति में प्रचलित है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति का है? भोटिया, राजी, थारू या जौनसारी? तो दोस्तों चढ़ाई नामक त्योहार थारू जनजाति से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनिया कहां की जनजाति है? मध्य प्रदेश, तिब्बत, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत से। ठीक है, हुनिया जो है तिब्बत की एक जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में ट्यूलिप या फूल गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या पिथौरागढ़? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डी, पिथौरागढ़ जनपद में जो है ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर मेला कहां लगता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? तो दोस्तों रामेश्वर मेले का जो आयोजन है ये पिथौरागढ़ जनपद में होता है, तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई थी? ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये चंपावत में स्थित है, और प्रश्न में पूछा गया कि इसकी जो खोज है ये कब हुई थी? 1995, 1985,
1996 या 1993। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993, यानी कि 1993 में जो है पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज हुई थी, जो कि चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोखू देवता मंदिर किस जनपद में है? उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून या रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों पोखू देवता मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तिलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे नोट कर लीजिएगा। तो तिलू रौतेली पेंशन योजना की जो शुरुआत है उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2014 से हुई थी। ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1 अप्रैल 2014। अगला प्रश्न, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल कौन सा है? रूपकुंड, वेदिनी, हेमकुंड या होमकुंड। तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूपकुंड जो है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है। अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर का नाम या शहर का पुराना नाम त्रि ऋषि सरोवर था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नैनीताल, भीमताल, देहरादून या हरिद्वार। तो दोस्तों नैनीताल का जो पुराना नाम है ये त्रि ऋषि सरोवर था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल। तो दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण श्रृंखला का पार्ट 12 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।